हॉट एक्टर सुपर कूल डैड अने बॉलीवुड ना पहला सुपर हीरो ऋतिक रोशन एंड वेरी गॉर्जियस यामी गौतम छे आज अपनी साथे वेलकम टू मतलब थैंक यू थैंक यू ऋतिक एक वीक नहीं हुआ है और वाकई में काबिल हो गई आपकी मूवी कैसी फीलिंग है ये फीलिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन ये वक्त है नॉट टू फोकस ऑन माई सेल्फ बट आज हमारा फोकस है उन सब पर जिन्होंने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए हम यहाँ पर हैं लोग आते हैं पिक्चर के रिलीज के पहले ये कहने के लिए कि जाइए और देखिए फिल्म हम आए हैं पिक्चर की रिलीज के बाद ये कहने के लिए शुक्रिया कि आप गए और आपने इतना प्यार दिया है ये एक छोटी फिल्म थी और इस छोटे से दिल में आपने इतना प्यार भरा है कि वो दिल इतना बड़ा हो गया है तो उसके लिए उस दिल को लेकर हम यहाँ पर आए हैं वो प्यार आपको लौटाने ये कहने की वी आर सो थैंकफुल थैंक यू फॉर लविंग दिस फिल्म थैंक यू फॉर लविंग रोहन भटनागर एंड सुप्रिया बस हम बहुत 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 खुश हैं सो स्वीट ऑफ यू यार आपकी फीलिंग कैसी है अभी बिल्कुल ऐसी है देखिए स्माइल ऐसी रुकी नहीं रही बहुत बहुत खुश है एंड आई थिंक व्हाट बेटर वे टू सेलिब्रेट विद द ऑडियंस जिनकी वजह से हम लोग फिल्में बनाते हैं जिनकी वजह से आप यू आर द आई थिंक फाइनल वर्डिक्ट इज ऑलवेज विद द ऑडियंस तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए इस आभार के लिए इस हमें अपनी दिल में जगह देने के लिए काफी टाइम के बाद आप एक हटके कॉन्सेप्ट वाली फिल्म लेकर आए हैं पहले आप रोमांटिक करते थे उसके बाद आपने एक्शन भी किया है तो बहुत बहुत खूबसूरत था बहुत डर भी था बहुत और डर के साथ साथ एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जब कोई भी चीज़ करने के पहले अगर आपने एक बैलेंस होना वो एक डर का और पैशन का डर इसको लेके कि ये डिफिकल्ट है और पैशन इसलिए उसको लेके कि ये एक कहीं एक चांस है कुछ करने का क्रिएट समथिंग स्पेशल तो वो जब उसका जब बैलेंस जब बराबर का जब होता है तो इट बिकम्स मैजिक तो इस फिल्म में मुझे ऐसा लगा व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट वो डर भी था और वो पैशन भी था तो उसको लेकर आई थिंक उसका जो मिक्स है उसकी वजह से आई थिंक इस फिल्म बिकेम व्हाट इट बिकेम पहली बार अपने ऋतिक के साथ काम किया कैसा था बहुत मतलब देयर इज नो फुल स्टॉप टू इट तो आई थिंक देयर विल बी डॉट 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 आफ्टर माय आंसर आप अपने आप जोड़ लीजिएगा बिकॉज मेरे लिए एक ऑफकोर्स एक बहुत जब फिल्म साइन की थी उस वक्त तो बहुत ऑफकोर्स बहुत एक्साइटमेंट था बहुत खुशी थी इस बात की क्योंकि ना सिर्फ ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स बट एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं बहुत अच्छे डांसर हैं और मैंने ऑलरेडी जैसे आप सबकी तरह इवन आई हर्ड ऑल दीज थिंग्स की बहुत मेहनती है परफेक्शनिस्ट है एंड ऑल दोज लेबल्स ही जस्टिफाइज देम बट इनसे काम करने के बाद पता चला या काम करते वक्त पता चला दैट ही इज दैट सुपर ह्यूमन ऑल्सो दैट ही इज नॉट जस्ट अ सुपर आर फर्स्ट सुपर हीरो बट अ फर्स्ट सुपर ह्यूमन क्योंकि अगर लोग तारीफ कर रहे हैं रोहन की सुप्रिया की कि सू की अब जो भी है आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर ऋतिक नहीं होते जैसे वो हैं एज अ पर्सन या जो वो किरदार में जब थे एज रोहन भटनागर तो मैं सू बिल्कुल नहीं बन पाती क्योंकि नो मैटर आपकी नहीं उल्टी बात है क्योंकि नो मैटर सिर्फ रिएक्ट किया है किया इन्होंने है मैंने सिर्फ रिएक्ट किया है आप देखिए इनकी जो स्माइल है यहाँ पर आपको सुप्रिया आपके पीछे है उसका मैंने सिर्फ रिएक्शन दिया है ये रिएक्शन है दिख रहा है वो रिएक्शन ऋतिक रईस के साथ आपकी क्लैश थी तो क्या मन में था डर था डर तो नहीं होगा हेजिटेशन या कुछ जगह ही नहीं है वो दिल में दिमाग में डर और नेगेटिविटी का के लिए कोई स्पेस ही नहीं है अभी क्योंकि इतना प्यार से भर गया है हम सब लोग माइंड सोल हार्ट एवरीथिंग इज जस्ट फुल ऑफ लव राइट नाउ तो कोई नेगेटिविटी नहीं है कोई सोच ही नहीं है बस हम लोग यहाँ पर वी आर हियर टू सेलिब्रेट नाउ वी आर हियर टू सेलिब्रेट दिस स्मॉल अटेम्प्ट व्हिच हैज बिकम सो बिग सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी छह ही दिन में आपने 80 करोड़ तक पहुंच गया है सेंचुरी कब लगेगी पैसों के बारे में तो मतलब सोचना कुछ मतलब मायने ही नहीं रखता इस वक्त तो प्यार की बात है और बॉक्स ऑफिस को देखेंगे बाद में म्यूजिक खास करके बहुत बहुत सबको पसंद आ रहा है फिल्म का हर एक गाने इतने खूबसूरत है कितना इंपॉर्टेंट रहता है गाने बहुत खासकर क्योंकि ये एक लव स्टोरी है लव स्टोरी में ऐसे गाने हैं जहाँ पर माइंडेड ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड जहाँ एक जैसे काबिल होने जो
एलिमेंट जाम है उसमें, जिसकी वजह से रोहन भटनागर और सुप्रिया की जो वल्नरेबिलिटी है वो बाहर आती है. यू नो इट रिमाइंड्स यू ऑफ अ वेरी सिंपल वर्ल्ड, क्योंकि इनका इनकी जो वर्ल्ड है बहुत सिंपल थी. और फिर उसमें क्या होता है और फिर कैसे रोहन को ताकत मिलती है उसके प्यार से, फाइट फॉर जस्टिस. और ये ब्लाइंड मैन, एक अंधे इंसान की जो ये स्ट्रगल है, जो एक्शन है इसमें, वो भी कुछ सब नया था. तो बहुत मतलब एक पता नहीं कैसे सब हो गया. दोनों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अभी तक की जो भी आप लोग को सक्सेस मिली और आगे भी मिलती रहे, हम यही आप लोगों से कहना. थैंक यू. दर्शक मित्रों, आ हता ऋतिक रोशन और यामी गौतम, कैमरामैन राहुल जाधव, साथ आशा पटेल, मंतव्य न्यूज.